नंबर नेक्स्ट देखो एम्स का नॉर्मल एंड इन साइड स्लैब क्यू मेक्स टोटल इंटर रिफ्लेक्शन स्लैब है आपकी ये क्यू है इस क्यू स्लैब के अंदर लाइट एंटर करती है सिक्सटी पर और यहाँ आके वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है यहां पर लाइट का टी होता है ठीक है इस जगह लाइट का टी होगा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा फाइंड द ठीक है तो अंदर हमारे पास म्यू एबसेंट है म्यू पता नहीं है तो हम आर भी नहीं निकाल सकते तो उसको आप आर सपोज कर लो तो अगर ये आर है इस नॉर्मल को कंटिन्यू ड्रॉ करें तो ये अगर आर है तो ये जो एंगल आएगा आपका नेक्स्ट ये वाला एंगल ये क्या आएगा ये आएगा 90 माइनस आर क्योंकि तो आपका 90 है ही सी तो ये आर यह नाइनटी तो ये 90 माइनस आर अब आपको बताया नाइनटी माइनस आर जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आपको बताया टी आई की कंडीशन क्या होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां अगर टी करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल राइट तो सबसे पहले हम देखो यहां पे 60 डिग्री का यह क्या यूज है और म्यू का क्या यूज है तो ये जो फर्स्ट सरफेस है आपकी इसके लिए आप स्ने स्ट्रो तो स्नेल्स लो अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए ये आएगा म्यू वन साइन आई इक्वस टू म्यू टू साइन आर राइट म्यू टू साइन आर अब म्यू वन तो है वन साइन साइन आई मतलब डिग्री राइट हैस टू म्यू टू मतलब म्यू स्लैब का म्यू और साइन आर राइट तो साइन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू और यह आ गया म्यू यहां पर तो ये किसकी वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन आर की ठीक है तो साइन आर की वैल्यू हमें मिल गई है राइट अब आपको पता है कि यहां पे ये एंगल पर आर है तो आपको पता है 90 माइनस आर तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको पता है साइन आई क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल साइन आई सी टू होता है वन अपॉन म्यू साइन आईसी इकोस टू वन अपॉन म्यू क्रिटिकल एंगल टी की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं तो जो आई यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां जो एंगल जो कहते हैं आईसी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस के लिए यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस एंगल की वैल्यू कितनी है नाइनटी माइनस आर ये होना चाहिए बड़ा किससे आई से क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए अगर आपको टी आई चाहिए तो ठीक है तो दोनों साइड साइन लगा दूं तो यहां दूगा साइन नाइनटी माइनस आर और यहां पर होगा साइन आईसी राइट तो दोनों साइड मैंने साइन लगा दिया अब साइन 90 माइनस आर ये साइन नाइन्टी माइनस आर क्या होगा ये होगा कॉस आर ठीक है साइन नाइन्टी माइनस आर क्या होता है कॉस आर होता है और साइन आई की वैल्यू कितनी है वो भी आपको पता है साइन आई की वैल्यू वो है वन अपॉन म्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं वन अपॉन म्यू तो आपको म्यू की वैल्यू चाहिए थी अभी भी आपको साइन कॉस आर हटाना है तो आपके पास यहाँ पे साइन आर की वैल्यू है तो क्या आप कॉस आर की वैल्यू लिख सकते हो आपको पता है कॉस आर कॉस आर इक्व टू होता है अंडर रूड वन माइनस साइन स्क्वायर आर ये कहां से आया आपको पता है साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्व टू वन होता है तो कॉस आर की वैल्यू ये होगी ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है उससे थीटा की वैल्यू होती है हमेशा अंडर रूड वन माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस तो 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 आर की ये वैल्यू यह वैल्यू है यह वैल्यू कॉस आर की यह वैल्यू साइन आर की साइन आर से हमने कॉस आर निकाल लिया कॉस आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यह आता है रूट में वन माइनस थ्री अपॉन फोर म्यू स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन वन अपॉन म्यू ठीक है अब दोनों साइड अंडर रूप भी ले सकते हैं हम दोनों साइड अंडर रूप लेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको वन माइनस थ्री बाय फोर म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन आएगा वन अपऑन म्यू स्क्वायर ठीक है अब हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम एल्सियम ले सकते हैं अब बताओ एल्सियम क्या आएगा एल्सियम आएगा हमारे पास फोर म्यू स्क्वायर

क्या होगा सेवन बायर तो म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेवन बाई फोर आप डिवाइड करोगे तो आएगा म्यू स्क्वायर होना चाहिए सेवन बाई फोर म्यू स्क्वायर स्क्वायर है म्यू स्क्ट सेवन बाय फोर तो म्यू होना चाहिए तो म्यू की वैल्यू आएगी इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट सेवन बाय फोर और अंडर रूट सेवन बाय फोर अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू आती है वन पॉइंट थ्री तो टू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड इस तरह से सॉल्व होगा ठीक है नाउ नेक्स्ट देखो अब इसके बाद अगला अगला क्वेश्चन ये 2016 का क्वेश्चन है मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम वन विद कॉलम टू वेयर एम इज मैग्निफिकेशन ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू है प्रोड्यूस बाय द मिरर तो आपको यहां पर कॉलम वन में तो मैग्निफिकेशन दे रखा है कॉलम टू में मिरर का टाइप और इमेज का टाइप दे रखा है तो मैग्निफिकेशन को मिरर और इमेज के टाइप से मैच करना है अब थियोरी में हमने क्लियरली पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन जो होता है एम अगर ये प्लस का है प्लस का मैग्निफिकेशन होता है अगर एम प्लस का है और एम माइनस का है अगर एम प्लस का है तो कौन सी इमेज बनती है एम प्लस का है तो हमें पता है इरेक्टेड इमेज बनती है इरेक्टेड इमेज ठीक है अब इरेक्टेड इमेज कौन सी होगी जो वर्चुअल भी होगी मिरर के केस में इरेक्टेड कब बनती है जब वर्चुअल होगी ठीक है और एम अगर माइनस का है नेगेटिव है ये पॉजिटिव था तो इरेक्टेड एंड वर्चुअल कह सकते हैं M अगर माइनस का है तो बनती है इनवर्टेड इमेज और इनवर्टेड आपको पता है इनवर्टेड इमेज कैसी बनती रियल बनती है रियल इमेज बनती है ठीक है और इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाने वाला मिरर कौन सा होता है वो मिरर होता है कॉनकेव कॉनकेव होता है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं देखो इसमें सबसे पहले एम की वैल्यू नेगेटिव दे रखी नेगेटिव तो नेगेटिव मतलब ये कौन सा मिरर होगा कॉनकेव और नेगेटिव मतलब कौन सी इमेज होगी रियल रियल इमेज होगी ठीक है माइनस में आ रहा है एम तो कॉनकेव मिरर होगा इमेज कैसी है ट्वाइस टाइम्स से एम की वैल्यू आपका टू है मैग्निफाइड इमेज है अच्छा एम की वैल्यू भी डिस्कस कर लेते हैं एम की वैल्यू एम की वैल्यू 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 ओनली वैल्य अगर ये ग्रेटर देन वन है ग्रेटर देन वन तो कैसी इमेज बनेगी लार्ज इमेज बनेगी और लार्ज इमेज कौन बनाता है वो बनाता है कॉनकेव ठीक है और एम अगर एम का जो मैग्नीट्यूड है लेस देन वन है छोटी इमेज बनाता है छोटी इमेज है तो स्मॉल इमेज बनाएगा तो स्मॉल इमेज बनाता है तो मिरर दोनों होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड मिरर नहीं है दोनों मिरर हो सकते हैं क्योंकि स्मॉल इमेज दोनों मिरर बनाते हैं ठीक है तो हम इस इस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट पॉइंट देख लो एक बार अगर एम की वैल्यू एक से बड़ी है लार्ज इमेज कौन बनाएगा कॉन्केव दूसरा एम की वैल्यू अगर स्मॉल है छोटी इमेज बनानी है तो दोनों मिरर बना सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होते हैं थर्ड एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसी इमेज होगी इरेक्टेड वर्चुअल वर्चुअल इमेज दोनों इमेज दोनों मिरर बनाते हैं कॉन्वेक्स भी, भी और कॉनकेव भी और फोर्थ पॉइंट है आपका एम नेगेटिव जो इन्वर्टेड होगी रियल होगी जो कॉनकेव बनाता है हमेशा ठीक है इन सबको ध्यान में रखते हुए देखें हम तो एम की वैल्यू क्या है माइनस टू है तो माइनस मतलब आप समझ गए रियल तो रियल इमेज कौन बनाएगा कॉनकेव एम की वैल्यू फिर माइनस है बट हाफ हाफ का मतलब क्या होगा हाफ का मतलब होगा इसमें छोटी इमेज बनाता है तो छोटी दोनों बना सकते हैं तो ये भी नेगेटिव है इसलिए कॉन्केव कॉन्केव होगा और कैसी इमेज बनाएगा रियल नेगेटिव है दैट्स व कहेंगे और माइनस में आ रहा है तो हम रियल कहेंगे छोटी इमेज बनाता है कॉन्केव बना सकता है कॉन्वेक्स नेगेटिव आ रहा है रियल इमेज बनाएगा ठीक है तो एम की वैल्यू माइनस है तो मतलब रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड है इसलिए अब एम की वैल्यू प्लस है तो एम की वैल्यू प्लस देखो पॉजिटिव एम है इरेक्टेड है वर्चुअल है और एम की वैल्यू प्लस है यहाँ पर प्लस में और टू है बड़ी है, मतलब आपकी कौन सी इमेज बनाएगा लार्ज इसका मतलब अगेन ये क्या होगा कॉन्केव होगा क्योंकि लार्ज इमेज बना रहा है और प्लस टू मतलब वर्चुअल है प्लस का मतलब क्या होता है वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा ठीक है फिर एम की वैल्यू प्लस हाफ प्लस तो दोनों बना सकता है बट हाफ का मतलब स्मॉल 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 बनाता है स्मौल। तो स्मौल में दोनों मिरर बनाएंगे और एम की वैल्यू कैसी है प्लस तो प्लस में कैसी इमेज बनेगी इरेक्टेड और वर्चुअल तो वर्चुअल भी बनाएगा और छोटी बनाएगा तो हम कह सकते हैं कौन सा मिरर होगा कॉनवेक्स और कैसी इमेज बनाएगा वर्चुअल ठीक है तो ये पॉइंट्स लिखे हैं मैंने देखो आप अब इसका जो ऑप्शन चेक करें ए में लिखा हुआ है माइनस टू तो मैंने दो पॉइंट बताया कॉनकेव और रियल कॉनकेव हो गया बी पॉइंट रियल क्या हो गया सी फिर एम की वैल्यू माइनस आप मैंने बताया कॉनकेव और रियल ये भी क्या होगा बी एंड सी तो दो बार बी एंड सी बी एंड सी रिपीट हो रहा है देखो बी एंड सी अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है बी एंड सी फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे और चेक कर लेते हैं सी में क्या है कॉनकेव एंड वर्चुअल तो बी एंड डी बी और डी और लास्ट में देखो एम टू प्लस हाफ कॉन्वेक्स एंड वर्चुअल तो ए एंड डी तो ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट है ठीक है इस तरह से मैच करना है थोड़ा मैचिंग वाले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़ा हम इसको कन्फ्यूज़ करते हैं आपको थोड़ा सा इसमें टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल क्लियर हो कॉन्फिडेंट हो तो वही इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेंड करें अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी थ्योरी एक का कॉन्सेप्ट था थ्योरी अगर आपकी क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप ये आराम से सही कर सकते हो नेक्स्ट देखो अ पावर ऑफ स्पेक्टेकल लेंस रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन इज माइनस फाइव डायोप्टर, वेन सेपरेशन बिटवीन स्पेक्टेकल्स एंड आई इज टू सेंटीमीटर वॉट विल बी द पावर ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस रिक्वायर्ड बाई हिम? अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेंस कौन हमारे पास पावर कौन सी है माइनस पावर है माइनस पावर में इस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है माइनस का मतलब इस पर्सन को नियर साइटेड का डिफेक्ट है और नियर साइड ने मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका नहीं दिखता उसका क्लियर नहीं दिख रहा इसका मतलब इसका फार पॉइंट बिगड़ गया है फार पॉइंट क्या हो गया इसका इनफाइनाइट से न्यू फार पॉइंट हो गया पहले था इनफाइनाइट अब हो गया नया फार पॉइंट ठीक है थीके? तो उसके लिए हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल देखो हम पढ़ चुके हैं इसके लिए तो वन अपॉन एफ जो होता है इक्व टू होता है वन अपॉन न्यू फार पॉइंट न्यू फार पॉइंट ठीक है तो न्यू फार पॉइंट जो भी होगा यहां पर आता है न्यू फार पॉइंट अब वन अपॉन एफ की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें माइनस का बिकॉज आपको पता है है एफ क्या होता पावर होती तो up, है तो माइनस का माइनस का फाइव दे रखा है ठीक है तो हम देखें अगर तो यहां पर पावर वन अपॉन एफ होती है ये रिलेशन हम लगाते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ ये माइनस है ये भी माइनस से कट गया तो वन अपऑन फाइव मतलब न्यू फार पॉइंट क्या होगा न्यू फार पॉइंट इक्वल्स टू होगा वन अपॉन फाइव मीटर में है ठीक है अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो वन सेंटीमीटर होता है हंड्रेड सेंटी वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर होता है तो न्यू फार पॉइंट आएगा मेरे पास ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है इसका मतलब आई लेंस के लिए आई के लिए जो हमारे पास लेंस जो हम स्पेक्स यूज करते हैं ये आई है इसमें डिफेक्ट आ चुका है ठीक है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो हमने कॉन्केव लेंस लिया था जिसकी माइनस पावर माइनस पावर है इसकी इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर क्यों होगी 20 सेंटीमीटर क्योंकि इस, इस का काम, है, इस का काम क्या है इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की कहां पे इमेज बनाएगा इनफाइनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा न्यू फार पॉइंट पर और इस पर्सन का न्यू फार पॉइंट क्या है यहां बनाएगा इमेज और इस पर्सन का न्यू फार पॉइंट क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर है इस पावर के हिसाब से अगर पावर माइनस फाइव डायरेक्टर है तो इस पर्सन का जो नया फार पॉइंट होगा वो ट्वेंटी सेंटीमीटर होगा ठीक है तो इस लेंस को यहां फोकस करना है और ये ट्वेंटी सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है न्यू फार पॉइंट भी है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ भी है देख लो फोकल लेंथ और न्यू पावर न्यू फार पॉइंट एक ही बात है ठीक है तो न्यू फार पॉइंट निकाला चाहे हमने फोकल लेंथ निकाला एक ही बात है ट्वेंटी सेंटीमीटर अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर स्पेक्स की जगह पर कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज होंगे तो आप समझ सकते हो देखो लेंस यहां पे था ये लेंस आई से कितना दूर है टू सेंटीमीटर दूर है तो अगर आप कोई कॉन्टेक्ट लेंस यूज करोगे तो आपको पता है कॉन्टेक्ट लेंस नाम क्यों है इसका क्योंकि आई पर बिल्कुल कॉन्टेक्ट में लगाया जाता है ताकि पता नहीं लगे कि चश्मा लगाना है मतलब लगा हुआ है चश्मा अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करते हो तो आंख के अंदर आंख के ऊपर लगा लेते हैं तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती स्पेक्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है तो अगर कॉन्टेक्ट लेंस हम यूज करेंगे तो टू सेंटीमीटर का गैप आपका नहीं होगा तो मुझे बताओ अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हो पर्सन वही है इस कॉन्टेक्ट लेंस जो आप यूज कर रहे हो इसको इमेज कहां बनानी पड़ेगी यहां पर तो स्पेक से डिस्टेंस कितनी थी 20 तो कॉन्टेक्ट लेंस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर

अब कॉन्टेक्ट लेंस बनाएगा ट्वेंटी टू सेंटीमीटर दूर तो कॉन्टेक्ट लेंस की फोकल बड़ी? बड़ी तो आई और स्पेक्स के बीच में तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ठीक है अब हमें चाहिए पावर पी डैश जो कॉन्टेक्ट लेंस की पावर है तो पावर अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होती है तो पावर का फॉर्मला होगा हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी टू सेंटीमीटर तो ये आपका आंसर आ गया आंसर आएगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर तो आंसर आएगा 4.54 पॉइंट फाइव ठीक है पहले नेगेटिव था नेगेटिव रहेगा ये तो आपको पता है जिस टाइप का लेंस हम यूज कर रहे थे उसी टाइप का लेंस यूज होगा बट फोकल लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी ये भी क्लियर है कि फोकल लेंथ बढ़ गई स्पेक्स 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला था कॉन्टेक्ट लेंस 22 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला चाहिए तो 20 के हिसाब से माइनस फाइव आता है तो 22 के हिसाब से माइनस का 4.54 पॉइंट आएगा इसका ठीक है तो ये था एम्स का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था नेक्स्ट देखो एम्स 2017 में क्वेश्चन और देखो आप इसमें अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर अब इसमें दो लेंसेज दे रखे हैं आपको कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट सॉरी दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव और आई दोनों की फोकल लेंथ आपको गिवन है इसमें ठीक है अब क्या बोला है इसमें 15 सेंटीमीटर का गैप है दोनों लेंसेज के बीच में हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑप्टेन फाइनल इमेज एट लीस्ट ऑफ डिस्टिंग विजन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन ठीक है इसका मतलब आपको पता है फाइनल इमेज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन मांग मान रहे हैं इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी इसमें डिस्टेंस आएगी ट्वेंटी फाइव ठीक है तो वी हम कहेंगे आई पीस की वैल्यू हम क्या लेंगे माइनस का ट्वेंटी फाइव नियर जो पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है ठीक है तो क्या हमें v मिल गया हमारे पास एफ ई है दो फो आप देखो एफ ई दे रखा है एफ ई की वैल्यू है 6.25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिख रही है सिक्स पॉइंट टू फाइव वी किता है ट्वेंटी फाइव क्योंकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस बनाना है तो हम क्या यहां से यू निकाल सकते हैं इजिली निकाल सकते हैं यू कौन सा फॉर्म लगा है वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन वी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू तो यहां से एफ ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं और v की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो वन अपॉन यू में इधर ले आता हूं चलो पहले एफी की पुट कर लेते हैं वैल्यू तो वन अपॉन सिक्स टू फाइव इक्वल टू माइनस का ये हो गया ट्वेंटी तो को कैलकुलेट करें तो यू की वैल्यू निकल के आएगी माइनस फाइव सेंटीमीटर तो यहां से हमने यू निकाला और यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फाइव सेंटीमीटर ठीक है इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा फाइव सेंटीमीटर पे अब आपको बताया इसमें डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज दे रखा है ऑब्जेक्ट क्या है माइनस फाइव पर दोनों के बीच में गैप कितना है है ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहां पर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ये किसके लिए आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है कितना दूर है फाइव टोटल लेंथ कितनी है फिफ्टीन ठीक है तो आपको पता है लेंथ की वैल्यू होती है वीओ और यू VO ओ प्लस यू तो अगर वीओ प्लस 15 है और यू आपने निकाल लिया फाइव तो कितना बचा? VO आपके पास बचा टेन तो VO की वैल्यू होगी टेन ठीक है FO की वैल्यू आपको पता है एफ की वैल्यू है टू ये बन है फिर आपको इसमें क्या निकालना है यू निकालना है तो हमें क्या पूछा था देख लो हमें निकालना है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड तो हमें क्या निकालना है यू ओ निकालना है ठीक है तो यू निकालना है तो हम इजीली इसमें निकाल सकते हैं वापस से फॉर्मुला लगा लो लेंस फॉर्मुला अगेन लगेगा लेंस फॉर्मूला अब फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस लगेगा ठीक है तो यहां से हम यू निकाल सकते हैं तो एफ ओ की वैल्यू कितनी है टू तो ये हो गया वन अपॉइंट टू ये हो गया वन अपॉइंट टेन माइनस वन अपॉन यू ओ ठीक है तो यहां से एल्सियम लेके सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू आएगी माइनस का टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करें ऑब्जेक्टिव लेंस से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दूर क्लियर नाउ नेक्स्ट देखो नीट यू जी टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन आ गया द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज रूट टू एंगल ऑफ प्रिज्म थर्टी डिग्री बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्मेस विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर सर्फेस इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज इज अब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है क्वेश्चन आपको सुन में आ गया एक सरफेस इसकी सिल्वर की भी है सिल्वर मतलब सिल्वर पॉलिश कर दी है मतलब रे यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी और दूसरा ये बोला है कि जो रे अंदर जाएगी इसमें जो रे अंदर गई है वो रे पाथ को रिट्रेस करेगी रिट्रेस करने का मतलब जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस आ जाएगी इसका मतलब है सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा जो सेकेंड सरफेस है इस पर सेकेंड सरफेस जो है ना सिल्वर वाली इस पर ठीक के अलॉन्ग गिरेगी तब वहां से वापस लौट आएगी ये कंडीशन है तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग गिरी होगी तो यहां से आई होगी ठीक है तो यहां पर ये रे इस तरह से आई होगी तो यहां पर यह नॉर्मल इसका तो ये रहा और इसका नॉर्मल ये सेकंड सर्फेस का नॉर्मल ये है फर्स्ट सर्फेस का नॉर्मल ये है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ठीक है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपको पता ही होगा आर वन अब आर टू की वैल्यू क्या है आर टू की वैल्यू जीरो है क्योंकि आर टू रखा ही नहीं है अलोंग द नॉर्मल जा रही जारी और हमें पता है कि ए का आर वन आर टू से क्या रिलेशन है तो सबसे पहले मैं ए लिखूं ए इक्वल टू क्या होता है आर वन प्लस आर टू आर टू की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ए थर्टी डिग्री है तो आर वन भी क्या होगा थर्टी डिग्री होगा ठीक है आर टू तो हो गया जीरो ए आपका थर्टी है तो आर वन क्या आ गया थर्टी अब आर वन थर्टी आ गया तो आई तो निकाल सकते हैं इसको आई वन क्या लो आई वन निकाल सकते हैं ये तो पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई वन निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा तो न्यू वन साइन आई वन इक्व टू न्यू टू साइन आर वन ठीक है फर्स्ट सरफेस की लगा रहे आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंस आर वन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है राइट और यहां तो एयर है तो ये तो वन हो गया साइन आई वन ही हमें चाहिए था आई वन पूछा है म्यू टू कित है रूट टू है और साइन आर वन आर वन कितना है साइन आर वन थर्टी है तो यहां पे साइन थर्टी पुट कर दोगे ठीक है और साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता है अच्छे से वन बाई टू और वन बाई टू रूट टू कितना होगा साइन आई वन इक्वल टू रूट टू इंटू वन बाई टू आएगा वन अपॉन रूट टू ठीक है तो साइन आई वन अगर वन बाय रूट टू है तो आई वन की वैल्यू इजीली निकल जाएगी तो आई वन की वैल्यू क्या आएगी फोर्टी फाइव डिग्री ठीक ये था 2018 का क्वेश्चन इजी था आराम से आप कर सकते थे चले आगे नेक्स्ट अगला देखो नीट टू का एक और क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिररर ध्यान रखना ऑब्जेक्ट पहले 40 पर था फिर टुवर्ड्स द मिरर इसको लेके गए तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये पूछा है इमेज कितना डिस्प्लेस होगी ठीक है तो फोकल लेंथ इसकी 15 है कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है राइट तो उसका देखो इस तरह से करें हम ये कॉनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ रखी है फिफ्टीन सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस कर किया हुआ है फोकल लेंथ फिफ्टीन है ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस किया हुआ है कहां पर प्लेस किया फोर्टी पर ठीक है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी फोर्टी सेंटीमीटर स्टार्टिंग राइट तो हम इसमें फॉर्मुला यूज करें कौन सा मिरर का वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू फोकल लेंथ कौन के मिरर है कौन के मिरर की फोकल लेंथ माइनस का फिफ्टीन है तो माइनस वन अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू वन अपॉन वी निकालना है और यहां पर u आ गया 40 माइनस का 40 तो हम वन अपॉन वी निकालेंगे तो यह आएगा माइनस का वन अपॉन फिफ्टीन प्लस वन अपॉन फोर्टीन ठीक तो यहां से हम v निकाल सकते हैं इजीली एल्शियम हम ले लेंगे यहां पे फोर्टी इन टू फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एल्शियम ले लो तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का 15 इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां से हम v निकाल सकते हैं तो माइनस का 40 15 हो गया 25 आ जाएगा तो v की वैल्यू आ गई 600 हंड्रेड बाई ठीक है तो 25 फाइव फोर इंटू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर ठीक तो इसका मतलब 40 पर इमेज रखेंगे तो 40 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्ट 40 पर है इमेज कहां बनेगी 24 पर 24 का मतलब 15 के आगे बन जाएगी 30 से पहले 15 के आगे ये आएगी 24 पर ठीक है अब आपको क्या बोला है इसमें अब इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव करो मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव करना है मिरर की तरफ तो हम ये मिरर लिया हमने ठीक है मिरर तो हमारे पास था और ये हमने ले लिया 15 ये 30 अब 20 मूव किया तो पहले 40 पे था 40 से 20 हम शिफ्ट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लेंगे 20 लेंगे ठीक है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है 20 है अब इमेज कहां बनेगी नॉर्मली अगर लॉजिकली देखा जाए अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजिशन के हिसाब से इमेज की पोजिशन पता है तो हम इस अब बनने वाली इमेज का अप्रॉक्स आइडिया तो लगा ही सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट रखा था सी से आगे तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी अब 40 के बाद 20 पे आ गया 15 इसकी फोकल लेंथ है 30 पर इसका सी आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस नाउ बिटवीन एफ एंड सी तो आपको पता होगा अगर सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सी पे बनती है ऑब्जेक्ट को अगर सी से मिरर की तरफ ले जाएंगे तो इमेज सी से दूर बन जाएगी इसका मतलब थर्टी से बड़ा आंसर आएगा थर्टी से आगे आंसर आएगा पहले क्या था ट्वेंटी फोर था अब इमेज सी से आगे बनेगी थर्टी से आगे चली जाएगी वैल्यू ठीक है तो निकाल भी सकते हैं हम थर्टी से आगे चली जाएगी वैल्यू तो वन अप ऑन एफ एफ वही है बट अब यहां पर हम यूज करेंगे वी डैश और यहां पर यूज करेंगे यू डैश पहले यू फोर्टी था अब यू क्या रखेंगे ट्वेंटी फोकल लेंथ तो पहले भी 15 थी अब भी फिफ्टीन ही रहेगी बट वी डैश चेंज हो जाएगा यहां पे आया माइनस का 40 ठीक है तो टू हो जाएगा माइनस का 1 upon 15, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो प्लस का वन अपॉन फोर्टीन ठीक है तो फिफ्टीन फोर्टी हमने लिया नहीं सॉरी फोर्टीन ही आएगा अब डिस्टेंस क्या लेंगे इमेज की फोर्टी तो पहले था अब क्या लेंगे ऑब्जेक्ट कहा है ट्वेंटी पर तो 20 आएगी ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस ट्वेंटी तो प्लस का ट्वेंटी तो 20, 20 ले तो हो जाएगा तो प्लस का ट्वेंटी हो गया एलसीएम बताओ क्या आएगा अब एलसीएम लेंगे थ्री हंड्रेड तो यहां पे आएगा माइनस का ट्वेंटी और यहां आएगा प्लस का फिफ्टीन तो वीडियो की वैल्यू आ जाएगी थ्री हंड्रेड अपॉन फाइव ठीक है ट्वेंटी और फिफ्टीन हो गया तो माइनस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड अपॉन फाइव तो वी डैश की, की वैल्यू कितनी आई वी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस में मा आएगा माइनस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन माइनस का फाइव होगा ये आगे माइनस का सिक्सटी सेंटीमीटर पहले था माइनस का ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब आया माइनस का सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक है तो 24 पे था पहले ऑब्जेक्ट पहले इमेज 24 पे थी अब इमेज 15, 30, 40 अब इमेज 60 पे बनेगी तो ये थी इमेज आई पहले अब ये इमेज आई है कहाँ बनी 60 पर ये डिस्टेंस कितनी होगी 60 अब 60 पहले 24 पे अब 60 पर तो कितना मूवमेंट हुआ 36 का मूवमेंट होगा 36 सेंटीमीटर का किधर की तरफ मिरर से दूर की तरफ तो आप इसमें ऑब्जेक्ट देखो, देखो, देखो मिरर तो आपको समझ में आ गया थर्टी सिक्स सेंटीमीटर क्या है अवे फ्रॉम द मिरर तो अवे फ्रॉम द मिरर का तो आइडिया हमें था बट हमने कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया ठीक है नाउ नेक्स्ट देखो नीट यू जी टू थाउजेंड एटीन का लिए बोला है तो इसमें आपको पूछा है एस्ट्रोनोमिकल रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप विद विल हैव लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन वैन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होगा उसके लिए आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए किसी टेलीस्कोप का एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए तो ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्मॉल फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर या स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर इनमें से आपसे पूछा है ऑप्शन कौन सा सही है सो so, इसमें देखो आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बोला है तो टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आपको पता है वो होता है एफ ओ अपॉन एफ ई सो so, हमें क्या चाहिए हमें चाहिए लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन या लार्ज मैग्निफिकेशन एक ही बात है तो एफ ओ मतलब फोकल लेंथ तो ज्यादा होनी चाहिए ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पूछा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए बट साथ, सा, साथ 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 इसने क्या पूछा हाई एंगुलर रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन पावर अगर मैं लिखूं तो रेजोल्यूशन पावर का फॉर्मुला आपको पता है वो है डायोम डी अपॉन वन पॉइंट टू टू लेमडा सॉरी डायोमिटर डी अपॉन वन पॉइंट टू टू लेमडा तो अगर रेजोल्यूशन पावर भी ज्यादा चाहिए तो डायमीटर अपॉन वन पॉइंट टू टू ले डायामी के लिए पूछ रहा है तो डायमीटर कैसा होना चाहिए पावर बढ़ानी है तो डायमीटर बढ़ाओ तो पावर बढ़ जाएगी फोकल लेंथ बढ़ाओगे मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाएगी तो दोनों आपको हाई चाहिए हाई लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन और हाई एंगुलर रेजोल्यूशन तो दोनों ज्यादा होना चाहिए फोकल लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए और डायमीटर भी ज्यादा होना चाहिए सो लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो है इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ठीक है सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है आपको पता है कि ये है नॉर्मल ये नॉर्मल है ठीक है अगर हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होता है लेस देन आई तो रे बाहर निकल जाती है ठीक है अगर हमारा एंगल आईसी के इक्वल होता है तो रे सरफेस पे रहती है और हमारा एंगल अगर आईसी से बड़ा होगा तो रे टी आई आर हो जाता है टोटल इंटरनल हो जाता है सो वट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी तो आपको पता है क्या होगा 90 डिग्री ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 90 डिग्री क्लियर है इजी क्वेश्चन था थियोरटिकल क्वेश्चन था हमें पता है नाउ नेक्स्ट देखो अगला फॉर अ टेलीस्कोप फोको ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटीमीटर एंड फोकल इज टेन एम एम इफ़ द ट्यूब ऑफ इज सिक्सटीन सेंटीमीटर फाइंड द मैग्निफिकेशन तो टेलीस्कोप की फोकल गिवन हो तो हमें उसका मैग्निफिकेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती हमें पता है एफ ओ अपॉन एफ ई होता है ठीक है ट्यूब लेंथ हमारा कोई यूज नहीं है तो एफ ओ की वैल्यू कितनी है एफ ओ की वैल्यू दे रखिए हमें फिफ्टीन सेंटीमीटर एफ ई की वैल्यू दे रखिए टेन एम एम ठीक है ध्यान रखें सेंटीमीटर है ये एम एम है कंफ्यूज ना हो अदरवाइज गलत आप ऑप्शन टिक कर देंगे 15 सेंटीमीटर मतलब 150 मिलीमीटर अपॉन 10 मिलीमीटर तो 10 से 10 कैंसिल हो गया मैग्निफिकेशन पावर क्या आ गई 15 तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड होगा ये भी इजी क्वेश्चन है ना नेक्स्ट पिक द रोंग आंसर इन द कॉन्टेस्ट विद इन विद रेनबो रेनबो के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा ऑप्शन गलत है हमने पढ़ा है रेनबो के लिए हमें पहले से ध्यान होना चाहिए रेनबो के लिए हमने पढ़ा था कि कुछ कंडीशन होती हैं कि हम अगर खड़े हैं तो हमारे बैक साइड में सन की शाइनिंग होनी चाहिए और फ्रंट साइड में रेनिंग होनी चाहिए ताकि रेन ड्रॉप्स की वजह से हमें रेन ड्रॉप्स में डिस्पर्जन की वजह से हमें रेनबो फॉर्म होता है ठीक है तो हमारे, है। तो हमारे पीछे सनलाइट आती है रेन ड्रॉप्स में जाती है तब तो हमारी आइज़ में वो रेनबो सा फॉर्म होता है तो गलत ऑप्शन पूछा था तो इसमें गलत ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें बोला देखो देखो थर्ड ऑप्शन एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो वेन इट हिज फ्रंट इज द सन अब सन की तरफ फ्रंट होगा तो फिर रेनबो कैसे दिखेगा तो ये गलत ऑप्शन है थर्ड क्लियर है आपको ये ऑप्शन इसका गलत है ठीक है बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं रे लाइट में आपका टीआईआर होता है दो बार जब सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है ऑर्डर सेकेंडरी रेनबो में और प्राइमरी रेनबो में इनवर्स का ऑर्डर का जो चेंज हो जाता है रिवर्स हो जाता है रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्ज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट क्लियर है ये तो इजी इजी ऑप्शन है जो करेक्ट थे इसके एक ऑप्शन गलत था वो था थर्ड नाउ नेक्स्ट देखो रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस अब ये केस वही है बेटा देखो हमने पहले सिल्वरिंग का पढ़ा था अब हम कह सकते हैं इसके अंदर रे जो है वो नॉर्मली निकल जाती है इसका मतलब रे इस तरह से निकल जाएंगे अब नॉर्मली निकले चाहे रिट्रेस करके पाथ आए दोनों केस में आर टू की वैल्यू जीरो होगी आई टू की वैल्यू भी जीरो होगी तो ये रे इस तरह से आएगी ठीक है तो ये रे यहां पे ऐसे आई होगी पूछा क्या इसमें देखो देन देंगल इसमें भी वही देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा इज नियरली इक्वल टू तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है आई वन कह दो उसको आर वन रहा आर वन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ए के इक्वल बिकॉज आर टू क्या है जीरो है हम जानते हैं क्या क्या होता है? R1 R2. R2 क्या हो गया? जीरो तो आर वन की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी तो आर वन इक्वस टू आ गया ए अब हमें चाहिए ए और ए एंगल भी स्मॉल है अब हमें लगाना चाहिए स्नेल्स लॉ इस, इस सरफेस के लिए राइट तो कैसे लगाते हैं आपको पता है म्यू वन साइन आई वन टू म्यू टू साइन आर वन फर्स्ट सर्फेस के लगा रहे हैं देखो आई वन आर वन के लिए सो म्यू वन तो एयर है एयर से आर वन है फिर यहां पे आ गया साइन आई वन इक्वल्स टू म्यू टू प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ठीक तो है तो वही पूछा है आपसे तो नहीं प्रिज्म का म्यू दे रखा है आपको तो म्यू ले ले लेते हैं पूछा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो मतलब आई वन पूछा है और साइन आर वन की वैल्यू कितनी ए है तो मैं यहाँ पे ए पुट कर लेता हूं बिकॉज आर वन की वैल्यू ए हमें पता है ठीक तो तो है, है तो ये मिल गई ठीक है है तो तो ऐसा होता कि कर रही ये वाला आपका केस होगा तो आप बताओ मुझे यहां पर साइन आई वन इक्व म्यू साइन है ए आपको बोला है ए इज स्मॉल एंगल प्रिज्म है प्रिज्म कैसा है स्मॉल एंगल तो आप समझ गए कि स्मॉल होगा तो साइन को हम हटा सकते हैं स्मॉल एंगल की जगह हम क्या लिख सकते हैं टू ए। जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन टीटाई so, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा फोर्थ इजी था 2020 का जो पेपर आया था वो ड्यू टू कोरोना लेट हो गया था और पेपर भी फिजिक्स का बड़ा इजी आया था इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हो इजी उसका क्वेश्चन था ठीक है तो मैंने आपको 2006 से लेकर 2020 2020 तक के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है तो की भी है और हमने यहाँ सारे क्वेश्चन कवर किए भी हैं कोई एक काल अगर मिस हो गया हो तो पता नहीं बट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया पेपर जितने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे सब के सब हमने कंप्लीट कर लिए तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल करियर को